लिया ना, ये है दही की गुजिया। दही भल्ले तो आपने बहुत खाए होंगे, दही गुजिया नहीं खाई होगी। ये ज्यादातर मिलती है आगरा मथुरा वगैरह यूपी के इलाकों में, फिरोजाबाद हो गया जैसे, और भी बहुत सारे शहर हो गए यूपी के, उनमें मिलती है। ये वहीं की फेमस चीज है दही गुजिया। और इसके अंदर किशमिश काजू बादाम भी भरे होते हैं। और किस प्रकार बनानी है, ये दाल को किस तरीके रखना है, दाल का बैटर किस प्रकार गाढ़ा पतला रखना है, वो सब बताएंगे आपको बढ़िया तरीके से, ए टू जेड समझाएंगे आपको। वीडियो में बने रहें, वीडियो को ध्यान से देखें, लगातार देखें, पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर सीखना है तो दही की गुजिया बना के दिखाएंगे आपको, खिला के सर्व करके दिखाएंगे लास्ट में। तो इसके लिए लिए है जी हमने 1 पाव उड़द की धुली हुई दाल 250 ग्राम, और इसको हमने 8 घंटे भिंगा लिया था रात को। और अब 8 घंटे बाद देखो ये फूल कर दुगनी हो गई है। 2 बार हमने इसको धो के भिंगाया था, तो इसलिए अब धोने की ज़रूरत नहीं है। पानी में से इसको निकाल कर और मिक्सी के जार में डालकर इसको एक फाइन पेस्ट बनाना है, गाढ़ा, ज़्यादा पतला नहीं रखना है। इस प्रकार जार में डालकर आपको एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है, और कोशिश रहे कि कम पानी डालकर पीसें, जिससे गाढ़ा रहे, पतला हो जाने पे दिक्कत बहुत आ जाती है जी। ये हमारी दाल पीसी हुई थी जी, जो हमने पीसी थी, रेडी है। इसको एक हमने बड़ी परात में निकाल लिया है। इस प्रकार अब इसको फेंटेंगे। फेंटने से क्या होगा, दाल फूल जाएगी और भल्ले एकदम फलपी बनेंगे, एकदम फूले फूले, और अंदर से गांठ गुठली कुछ नहीं होगी, एकदम मुलायम। भल्ले बनाने का तरीका यही है, इसको जितना ज़्यादा फेंटा जाए उतना ही बढ़िया है। इस प्रकार एक ही राउंड में घुमा घुमा कर इसको सेक मतलब फेंटते जाएंगे। और फेंट के जब ये आपको लगे ना कि बिल्कुल फूल सी गई है, दुगनी हो गई है दाल, और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा फेंटते फेंटते, तो समझ लो हमारी दाल रेडी है। फेंट के बढ़िया रगड़ा लगाना है इसके अंदर। और ये आधे चम्मच हमने जीरा लिया है, ये डालेंगे इसमें, क्योंकि गुजियाओं के अंदर जीरा डालना जरूरी है। ये हमारी दाल फेंट के तैयार है। अब हम आपको दिखाते हैं गुजिया बनानी कैसे है। गुजिया बनाने के कई तरीके होते हैं। ये थोड़ी दाल हमारी पतली है, तो पतली दाल को किस प्रकार काबू में लेना है गुजिया बनाने के लिए, वो हम आपको दिखाएंगे। वरना थोड़ी गाढ़ी रखें, इसलिए हमने आपको दिखाया पतला करके। ये सिल पे पीसते हैं दाल, तो वो गाढ़ी होती है, तो उसे मुट्ठी में लेके और किशमिश काजू अंदर भर के और गुजिया का शेप दे के और कढ़ाई में डाल देते हैं। अब ये हमारी पतली दाल है, जैसे आप भी पीसोगे तो आपके भी ऐसी हो जाएगी, तो वही हम तरीका बता रहे हैं आपको। किशमिश 1 प्लेट में रखी हुई है हमने, हाथ में भी ले सकते हो इस प्रकार। और देखो किशमिश डालेंगे दाल में, और इसको उसमें अलट पलट कर और एक लंबी सा शेप गुजिया शेप में उठाकर कढ़ाई में छोड़ देंगे, और हाथ बार बार गीला करना है, जिससे दाल हाथ में चिपके ना। देखिए ये किशमिश डाल रहे हैं हम, और उसमें लपेट कर लंबे साइज में, भल्ले जो होते हैं वो गोल होते हैं, गुजिया हमारी लंबी साइज में रहेंगी, गुजिया मुट्ठी के आकार की, ठीक है। तो इस प्रकार आपको बनाने हैं सारे, देख लीजिए। ये देखो ये तरीका, अगर दाल आपकी पतली हो जाएगी घर पे, आप पीसोगे ग्राइंडर में, गाढ़ी दाल पिसेगी नहीं, आपको पानी डालना पड़ेगा, तो दाल पतली होनी होनी है। अगर आप सिल पे पीस सको तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो गीला हाथ करो, उस पे दाल रखो, उसके बीच में किशमिश रखो, और ऐसे मुट्ठी से भींच दो ऐसे उंगलियों से, और तुरंत कढ़ाई में छोड़ दो, गुजिया बनके तैयार है हमारी। इसी प्रकार आपको सारी डाल लेनी है, जितनी आपके कढ़ाई में घी रिफाइंड तेल हो, जो भी जिसमें भी सेक रहे हो, और बिल्कुल लो फ्लेम, मीडियम भी नहीं, मीडियम बाद में करनी है, लो फ्लेम पर आपको पहले ये कढ़ाई में डाल देनी है गुजिया, देख लीजिए जिस प्रकार। और ऐसे हाथ धोकर साइड में जो रखा बर्तन है पानी का, और ये पानी ऐसे इसके अंदर डालना है, थोड़ा सा पानी लेके और इसके अंदर डाल दें, तो इससे क्या होगा, जब गर्म तेल में पानी गिरेगा तो तेल कड़कता है, तो कड़कने के साथ जो आपस में चिपकी होंगी ना एक आध गुजिया या बल्ले, तो वो अब अलग अलग हो जाते हैं अपने आप। ऐसे करछी वरछी लगाने की जरूरत नहीं है, ताजे में अभी मुलायम है ये, क्योंकि कट फट सकते हैं, तो वो पानी डालने से तड़क के और सारी साइड में हो जाएंगी। आँच कर दिया देखो, अब हमने मीडियम तेज कर दिया, थोड़ी लो से फालतू बढ़ा दिए, और आप देखेंगे जब नीचे की लेयर हमारी लाल हो जाएगी, तो हम ऐसे चक्कू या करछी या चम्मच वगैरह की किसी डंडी की सहायता से आराम आराम से इनको पलटेंगे। इस प्रकार पलटना है ये आपको, देखो सारी गुजिया इसी प्रकार पलट लेंगे, चुपकी कोई नहीं है आपस में, क्योंकि जो हमने पानी डाला था उससे तड़क कर और सारी अलग हो गई हैं। आराम आराम से, कटे फटे ना,
और इस प्रकार सारी पलट देंगे। जब देखोगे इनके ऊपर की परत सुनहरी हो गई है इस प्रकार, और इसी प्रकार नीचे की जो परत है उसको भी सुनहरी करना है और निकाल देना है इनको किसी छलनी वलनी में, जिससे कि जो फालतू रिफाइंड तेल इनके साथ जाएगा वो निचोड़ कर नीचे जो बर्तन रखोगे उसमें रिलीज हो जाए। और इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ज़्यादा नहीं मतलब सेकना है, क्योंकि डबल फ्राई करेंगे अभी इनको। तो इसी प्रकार आपको निकाल के रख देंगे और सारे बना के तैयार कर लेंगे। देखिए जिस प्रकार हमने ये बैच तैयार किया है सेक कर, उसी प्रकार जो बची हुई दाल है उसका भी बैच आप दूसरा सेक कर रख लेंगे साइड में, और फिर उसके बाद करेंगे इनको डबल फ्राई। और डबल फ्राई के लिए रखनी है हमार को फ्लेम फुल तेज, कढ़ाई का गर्म फुल तेज होना चाहिए, उसी में डबल फ्राई किए जाएंगे। अब देखो ये हमने जो बची दाल थी उसका दूसरा बैच बनाना तैयार कर दिया है, और सारे बना के साइड में रखते जाएंगे। देखिए जी तरीका वही है, किशमिश को डालना है और एक मतलब गुजिया के शेप में दाल को डाल देना। ये हमारा लास्ट बैच बन के तैयार है, देखिए किस प्रकार फूले फूले गुजिया बन रही है हमारी। और ये सब जो हमने दाल को फेंटा लगाया था उसी का परिणाम है, जितना दाल को आप फेंट लोगे उतना ही फूली फूली और अंदर से मुलायम गुजिया बन के या भल्ले बन के तैयार होंगे आपके, वरना गांठ हो जाती है कभी कभी, दाल अंदर से सख्त हो जाती है, गांठ के माफिक हो जाती है। ये देखो जी आवाज हमने तेज कर ली है, और दोबारा हमने डबल फ्राई के लिए गुजिया डाल दी है। इसी प्रकार आपको डबल फ्राई करना है, हाथ से पकड़ के देखें एकदम कड़क करारी होनी चाहिए गुजिया, तो समझ लो हमारी सिक गई है। ये तैयार है हमारी सारी गुजिया सिक के डबल फ्राई। अब एक पतीले में हमने रखा है पानी, पानी को गुनगुना करना है। गुनगुना कितना करना है कि जितना आपकी उंगली ताप सह सके उसका, ज़्यादा उबालना नहीं है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। ये देखो पानी हमारा गर्म हो चुका है, 1 ही मिनट लगी है ज़्यादा ज़्यादा बस, और सब गुजियाओं को इसमें डुबो देना है पानी में डाल कर, और 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो ये पीलापन है ना इनका, जब ये पानी में भींग के फूलेंगी डबल हो जाएंगी तो ये पीलापन भी सफ़ेद रंग में हो जाएगा। 1 घंटे आपको भिगाना है देखे, और बिल्कुल जो लेयर है ऊपर कड़क बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट हो जाएगी एकदम अंदर से, और ऊपर से भल्ले तो मतलब सॉरी गुजिया हमारी। तो ये देखो जी हमारा सेटअप तैयार है, गुजिया आप सफ़ेद रंग में देख सकते हो 1 घंटे भिगाने के बाद इस प्रकार हो गई थी। ये गाढ़ा दही है हमारा, और ये चटनी है मीठी वाली, सबकी रेसिपी हमारे चैनल पे है। ये फ्राई किए हुए आलू हैं, अब हम बनाएंगे गुजिया चाट, और ये खट्टी हरी चटनी तीखी वाली, चाट मसाला और नमक। ये देखो ये गुजिया है ये हमारी, इसको लेकर आप ऐसे और सारा पानी निकालेंगे इसका दबा के इस प्रकार। और ये देखो अंदर फिलिंग जो हमने किशमिश की थी वो देखो है कि नहीं, ये देखिए जी किशमिश दोनों अंदर, काजू वगैरह जो मर्जी आप चाहो भर सकते हो, बादाम वगैरह ड्राई फ्रूट वो आपके ऊपर है। ऐसे 2 गुजिया लेके हमने प्लेट में रखी हैं। अब ये हमने डाला नमक इस पे स्वाद अनुसार, चाट मसाला भर के चटपटा होना चाहिए। और ये आलू डालेंगे हम इस पर फ्राई किए हुए, क्योंकि जो आप खाते हो दुकानों पे जाके तो वो प्लेट को पूरी भर के देते हैं, तो ऐसे आलू वगैरह डालते हैं उसके ऊपर तो उससे प्लेट भरी भरी दिखती है, और उसके ऊपर फिर जाता है जम के दही, दबा के डालते हैं भर के दही गाढ़ा वाला। ये देखिए जी इस प्रकार आपको डालना है, और फिर ये लाल चटनी, ये लाल चटनी, और ये फिर हरी चटनी, एक बार मसाले का फिर जाएगा ऊपर। और ये हमारी दही गुजिया बन के तैयार है। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी, पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ये देखो जी खाकर बता रहे हैं स्वाद के साथ, मज़ेदार बनी है हमारी गुजिया।